अभी जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। क्या पढ़ेंगे? वन डी मोशन, काइनामेटिक्स। ठीक है, तो चलिए जरा काइनामेटिक्स स्टार्ट कीजिए। ठीक है, काइनामेटिक्स में दो चैप्टर है। कितने चैप्टर है? दो चैप्टर। चैप्टर नंबर वन, इसको कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर है इसमें टू डायमेंशनल मोशन। काइनामेटिक्स क्या है? काइनामेटिक्स ये सब क्या है? बैकबोन ऑफ फिजिक्स है। यदि ये स्ट्रॉन्ग है, इसको यदि समझते हैं तो मामला फिट, वरना मामला गड़बड़। अब देखिए जरा यहाँ पर आपके बोर्ड बुक में इस बेचारे का नामकरण संस्कार जो है ना, वो उलझलूल कर दिया है। मैथमेटिकल टूल सूल्स कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, एनसीईआरटी का नकल मारने के चक्कर में। न इधर के है न उधर के सनम, ठीक है। तो अपन को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है। एक देखिए जरा, तो चैप्टर वन पढ़ने से पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइनामेटिक्स के को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? होमवर्क करने का। क्या करने का? होमवर्क। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए वेक्टर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वन आइए जरा सा, इसमें क्या क्या पढ़िएगा? चैप्टर नंबर वन, ठीक है, इसके अंतर्गत इनसाइड दिस पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, टूल्स, राइट। इसमें क्या मैथमेटिकल टूल्स में क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आपके बोर्ड बुक के स्टाइल से ही। नंबर वन वेक्टर, ठीक है। नंबर टू ट्रिगोनोमेट्री, समझ गए? ट्रिगोनोमेट्री मैथ सर ने आप लोगों को बता दिया होगा, ठीक है। नंबर थ्री, फिर भी थोड़ा पढ़ेंगे। नंबर थ्री में क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ओके, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है।
अब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो देखिए, नंबर वन पोजीशन, पोजीशन। अब इस पोजीशन को आप वेक्टर में समझ लोगे तो यहाँ दौड़ोगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर थ्री स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। नोट करते जाइएगा, मजा आएगा ये सब बाद में आपको, ठीक है। नहीं नोट करेंगे तो मामला बिटर पिटर होता है। स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है। नंबर फोर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब ये बड़ा सिंपल लगता है, जिन लोगों ने फाउंडेशन किया करके आया है वो लोग तो इसमें कुछ बोलना चाहिए, लेकिन देखते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर पाथ लेंथ डैश टाइम ग्राफ, नंबर टू डिस्प्लेसमेंट डैश टाइम ग्राफ, नंबर थ्री स्पीड टाइम पीटी ग्राफ, लिख करके आगे बढ़ रहे हैं पीटी ग्राफ, नंबर फोर एटी ग्राफ, ठीक है। ये पढ़ते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर नंबर सिक्स में क्या पढ़ेंगे, नंबर सिक्स में मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, अब ये क्या होता है, इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या एग्जांपल, मोशन अलोंग वर्टिकल, ठीक है। मोशन अलोंग वर्टिकल, नंबर टू मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर का एंड हो जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई, ठीक है। ये पार्ट जो कर लिया, समझ गए कि नहीं, ये पार्ट जिसका स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, उस बच्चे का नीट में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जिसका ये पार्ट नहीं बना उसके सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। थोड़ा टफ वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो यहीं से आता है, लास्ट 5 ईयर का हिस्ट्री है यहाँ से, ठीक है। इस सब के क्वेश्चन सब बनाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर वेटेज देता है आपको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, ठीक। तो
देखिए जरा तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है? बड़ा मुश्किल है यार, है ना? फिजिकल क्वांटिटी लाए तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें क्या क्या होते हैं? आपसे कोई पूछेगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी में हाँ बताते हैं अभी, फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एन होता है, क्या? एन, ठीक है। आइदर और यूनिट, आइदर और यूनिट, ठीक है। क्या होते हैं यूनिट, समझिएगा जरा इसको, यूनिट आइदर और डायरेक्शन होता है, आइदर और, ठीक है, डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होगा? Q इज इक्वल टू n होगा, u होगा, ठीक है, आइदर और डायरेक्शन, ठीक। तो आइदर और डायरेक्शन, राइट ना, आइदर और डायरेक्शन। अब देखिए, जिसके पास केवल ये है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। जिसके पास ये दोनों है वो क्या कहलाएगा? डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए। और जिसके पास ये तीनों है वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्या कहलाएगा बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब इसको समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में देखो जरा सा, देख जरा प्यारे, यहाँ पर आपसे कोई कहता है एग्जाम्पल देखो, क्या देखो? एग्जाम्पल देखो, नंबर वन एक स्टेटमेंट देखो जरा, यहाँ पर ए पार्टिकल with 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ए पार्टिकल moves with 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। बोलिए जरा सा इसमें, अब जरा देखो, यहाँ पर इसमें 10 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। तो दोनों को सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते, समझे कि नहीं। बोथ आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, स्पीड, और इसको क्या बोलेंगे बादशाह, वेलोसिटी, राइट ना। बदल गया कि नहीं बदल गया, दिस इज स्पीड, दिस इज वेलोसिटी, राइट, ठीक है। तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो देखिए, आज थोड़ा सा मजे लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वांटिटी समझने का, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी आप लोग जानते हो, विच कैन बी मेजर्ड इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड क्वांटिटी, और एंटिटी क्या हो गया, कैन नॉट बी मेजर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। मम्मी ज्यादा प्यार करते है कि पापा, राइट। अब ये प्यार क्या हो गया, एंटिटी, प्यार क्या हो गया, एंटिटी, कैन नॉट बी मेजर्ड अभी तक, ठीक है। अब आगे तुम लोग रिसर्च करो, ठीक है, इन्वेंशन करो, कोई इंस्ट्रूमेंट ले आओ, प्यार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, फायदे में रहोगे, नहीं फायदे में रहोगे, जीवन साथी खोजने में इजी हो जाएगा। लेकिन प्यार क्या है, प्यार क्या है, पल पल बदलता रहता, ध्यान देना भाई, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, क्या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। देखो अब यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज है, डायमेंशन के बेस पर, दो मिनट थोड़ा डायमेंशन में भी चले जाते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का रिलेशन केवल यूनिट से है, समझ गए, डायरेक्शन से नहीं। इसके बेस पर ये दो टाइप के क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, डायमेंशनल, रामजे, डायमेंशनल वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, डायमेंशनल। अब इसको हटा दे, इसको भी हटा, ठीक है, ऊपर में लिख वेरिएबल, वेरिएबल, और दूसरा कॉन्स्टेंट। तेरे क्लास के एक स्टूडेंट ने मेरी बात पकड़ ली थी, इसीलिए मैं ये बता देता हूँ आज, ठीक है। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डायमेंशनल, डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस। आस्था शरद निकम क्यों फोन कर रही है अभी, हेलो सर जी, 1 बजे मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो डायमेंशन, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस, डायमेंशन ले, ठीक है। अब ये डायमेंशनल और डायमेंशनलेस देखो क्या होता है, जैसे लेंथ, जैसे वेलोसिटी,
कैपेसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे वर्क डन, जैसे पावर, ऑल ऑफ दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। इस सब के डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल्स भी होते हैं। जो भी रेशोज में होगा, जो भी कैसे होगा रेशो में, वो सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं। जैसे स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेन, ठीक है, जैसे जैसे आप देखो जहां भी रिलेटिव वर्ड लिखा रहेगा ना, सुनिएगा जरा, जहां भी रिलेटिव वर्ड लिखा रहेगा ऑल आर डायमेंशन लेस, ठीक है। या जैसे जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ फोर्स, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, रेशोज में होते हैं, रेशो में, ठीक है। स्ट्रेन तीन टाइप का होता है, राइट। अब ये सब अभी ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस हो गया। एग्जाम्पल दे दी आपको, डायमेंशनल में आपकी मर्जी, ठीक है। वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी, पावर, वर्क डन, है ना, वर्क डन वगैरह वगैरह, इटीसी इटीसी, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक क्या होता है, डायमेंशनल, डायमेंशनल, दूसरा क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशनल, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। इन जनरली यहां भी जो रेशोज में होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं बेचारे, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, जैसे नंबर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, वी वन बाय वी टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ये क्या हो गया, रेशो हो गया, डायमेंशन लेस होते हैं। अब तुम बोलोगे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट क्या क्या, राम राम राम। तो देखो जरा मैं बताता हूँ, और तुम लोग इस सब का डायमेंशन लिख करके बता देना मेरे को, ठीक है। नंबर वन, नंबर वन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट। अब देखो जरा छोटा वाला जी कहाँ आएगा, छोटा वाला जी कहाँ आएगा, छोटा वाला जी यहाँ आएगा, बड़ा वाला जी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। नंबर टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये किसने दिया, प्लैंक बाबा ने, केल्विन एंड प्लैंक। हाँ हाँ हाँ, देखो एक और आ गया, बोल्ट्ज़मैन्स कॉन्स्टेंट, बोल्ट्ज़मैन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, बोल्ट्ज़मैन्स कॉन्स्टेंट। और सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर फोर, और कुछ बोलूं क्या, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वाह वाह वाह, क्या बात है यार, आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं,
यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, और बताऊं क्या, और बताऊं। नंबर सिक्स रहे भाई, नंबर फोर होगा ना रे, क्या जानते हो तुम लोग इसको जो मैं लिखने वाला हूँ, मैं जो लिखने वाला हूँ ना वो आप लोग जानते ही। रेजिस्टेंस उधर होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पर, इधर। आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक, और देख जरा उसका दूसरा भाई, रेजिस्टिविटी। वाह जी वाह, रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग, कॉपर की अलग, आयरन की अलग, ठीक है, समझे क्या। तो रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और लिखते हैं यार, मजा आ रहा है जरा मेरे को, अब तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं। ठीक है, मेरे सामने तेरे चेयर खाली डले हुए हैं, तुम लोगों का वेट कर रहे हैं, और दिख क्या रहा है, ये कंप्यूटर बाबा दिख रहे हैं यहाँ पर, और उसमें भी मेरे चेहरा दिख रहा है, समझे। ठीक है प्रसन्ना, तो रजिस्ट्रिबिलिटी हो गया ये। अब देखो जरा, और लिख दूं दो चार, क्या दो चार लिखूं। अब देख क्या क्या सीखा होगा, रजिस्ट्रिबिलिटी तो जानता है नहीं। ठीक है, दो तीन, इस पैसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इस पैसिफिक हीट कैपेसिटी, टेंशन नहीं लेने का इस सब का, ठीक है, कंडक्टिविटी, वाह वाह वाह, ये देख रेजिस्टिविटी, ठीक है, और ये क्या है रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक है ये, इलेक्ट्रिक के लिए लिखा मैंने, ठीक है, कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं, कंडक्ट, अब इसको प्यार से पूरे नाम लिख देता हूँ ना यार, ठीक है, हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। इस सब के डायमेंशन होते हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर होमवर्क। ठीक, अब आप बोलोगे आपने तो बोला था याद व्याद नहीं करने का, आज भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को रट्टा मारा चे नहीं, ये सब खुद आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो फिर होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, ताकि कुछ काम मिलना चाहिए ना यार, बैठे बैठे क्या करोगे, करते हैं कुछ काम है राइट ना। तो इस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए आप लोग, दिस इज होमवर्क, ठीक है, केवल कहीं से भी खोज करके लिखना है, उसको याद व्याद नहीं करना है, ना ना ना, याद करने का कार्यक्रम नहीं, वो अपन बताएगा कैसे कैसे होगा ये सब राइट। अब आगे बढ़िए जरा, स्टोरी खत्म हो गई इसकी, ठीक है, स्टोरी खत्म। अब क्या, अब आ जाओ जरा जहां पर हम लोग चलने वाले वहां पे, ये अभी का डायमेंशन के बेस पर ये इतने टाइप का हो गया, ओके। अब डायरेक्शन के बेस पर ये कितने टाइप का होता है उसका मजे लेंगे हम लोग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बेस पर ऋतुगंधा फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इन
तो टू पार्ट बोलेंगे, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्केलर और वेक्टर। लेकिन आप लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हो, आप लोगों को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस करना है, राइट ना? ठीक है, किसी को एफएमसी से जाना है, किसी को एनडीए ज्वाइन करना है, तो हाउ टू डू, ठीक है, तो कैसे, तो कॉम्पिटिटिव दिमाग लगाने का वन स्टेप फॉरवर्ड। दुनिया जहां सोचना बंद करती है, मतलब जानते हो, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, जीवन का जो रियल ट्रूथ है ना वो बता रहा हूँ। इस धरती पर केवल दो टाइप के लोग हैं, एक है काम करने वाले और दूसरे है कराने वाले। एक कौन है? काम करने वाले। दूसरे कौन है? कराने वाले। ठीक है, दो टाइप के लोग हैं बस, एक और दोनों का इम्पोर्टेंस है, दोनों का इम्पोर्टेंस है। हाँ, तीसरे टाइप के भी लोग हैं जो डिपेंड्स ऑन दी, तो वो क्या है, तीसरे टाइप के लोग क्या है पता है, जो काम नहीं करते हैं, वो डिपेंडेंट हैं। या तो उनने पहले काम कर लिया है तो वो लोग कौन है, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर वो काम करने वाले हैं वो कौन है, बच्चे, बेबीज है, ठीक है, राइट ना? तो आपको इस दोनों में से एक किसमें बन जाना है, यू कैन डिसाइड इट। यदि काम कराने वाला बनना है, तो फिर आपको वन स्टेप फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टेप आगे, ठीक है। जो काम कराने वाला होता है, अब तुम बोलोगे डॉक्टर तो काम कराने वाला नहीं होता, काम करने वाला होता है, गलत सोच रहे मेरे भाई। डॉक्टर खुद गोली दवाई नहीं खाता है, खिलवाता है, ठीक है, राइट ना? वो क्या करता है, वो गाइड करता है, ठीक है। तो गाइड करने वाला क्या होता है, सोचो जरा सा, तुला कहीं फिराई ले जाए ची, और तिकड़े तू गाइड करा, तो गाइड क्या होगा, पीछे चलेगा तेरे को कि आगे चलेगा? गाइड करने वाला किधर चलना चाहिए, गाइड को आगे आगे चलना चाहिए ना, है कि नहीं है? तो आगे आगे कब चलेगा, जब वो पहले से आपसे ज्यादा जानेगा तब ना आगे आगे चलेगा, है ना? तो आप गाइड जब बनने जा रहे हो, ठीक है, इस जीवन पथ का पथ प्रदर्शक बनने जा रहे हो, मैनेजर बनने जा रहे हो, तो फिर आपको थिंक वन स्टेप फॉरवर्ड। सामान्य लोग जहां सोचना बंद कर देता है वहां से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। सामान्य लोग जहां थक जाते हैं वहां से आपको ऊपर उठना होगा, ठीक है, आगे बढ़ना होगा, तभी आप गाइड बनेंगे, तभी आप पथ प्रदर्शक बनेंगे, संचालक बनेंगे, ठीक है, मैनेजर एंड डायरेक्टर बनेंगे। कम ऑन, तो यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर, यस, वन इज स्केलर, दी अदर इज वेक्टर, वेक्टर, थर्ड इज टेंसर, ठीक है, थर्ड क्या है, टेंसर है, ओके। तो स्केलर, स्केलर क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें जिसमें एन होता है एन प्लस यू ओनली, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, क्यू, एन प्लस यू प्लस टी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, यूनिट भी होगा और डायरेक्शन भी होता है,
ठीक है, एन प्लस यू प्लस डी। थर्ड टेंसर क्या होता है? नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो ना तो वेक्टर होते हैं ना ही स्केलर होते हैं, ठीक है, राइट। नो वेक्टर नो स्केलर। अब इसके एग्जांपल्स आपको पता है, ठीक है, इसका एग्जांपल आपको पता है। यदि हम आपके टेंथ के बेस पर इसके एग्जांपल लिखें तो यहाँ पर आप मेरे से आगे चल चल के लिख सकते हो कि लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, राइट ना, मास हो गया, टाइम हो गया, राइट, और क्या स्पीड हो गया, वर्क डन हो गया, वर्क डन ईटीसी। अब वेक्टर क्या होते हैं भाई? वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए जरा सा, फिजिक्स में एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया यही से शुरू करिएगा, ठीक है, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंगुलर, सॉरी, वेलोसिटी और मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, फोर्स, फोर्स, ठीक है, फोर्स, और क्या बोलिएगा, सभी टाइप के फोर्स, ऑल टाइप ऑफ फोर्स, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, और क्या बोलिएगा, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, ईटीसी, ईटीसी, सारी चीजें लगभग आ गई आपको, एटसेट्रा। अब जरा देखो क्या होता है, ठीक है, अब नाइदर टेंसर, नाइदर ये टेंसर क्वांटिटी क्या होते हैं, टेंसर क्वांटिटी क्या, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, तो इसका बेहतरीन एग्जांपल है और इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये नीट में भी आ चुका है और AIEEE नाम का एग्जाम हुआ करता था पहले, ठीक है, उसमें भी आ चुका है, PBI, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, ये इसका इकलौता फिजिकल क्वांटिटी है अभी तक, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द सिंगल टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर इज टेंसर क्वांटिटी, ओके जी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें वेक्टर के मजे लेंगे आज, ठीक है, वेक्टर के मजे लेंगे, वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कुछ ऐसा एग्जांपल
अब तुम बोलोगे सर उसमें इस डेफिनेशन वगैरह लिखा है नहीं। डेफिनेशन वगैरह मूर्खता पूर्ण कार्यक्रम नहीं करने का, रट्टा मारने का नहीं। फिर भी थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। स्केलर, ठीक है, स्केलर क्या होता है? दी फिजिकल क्वांटिटी, दी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सॉरी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड क्या ओनली, राइट। अब देखिए मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है क्या? यस, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और दोनों यूनिट होते हैं, या दो में से कोई एक हो सकता है, दो में से कोई एक हो सकता है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? उसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे राधा 20 मीटर पर सेकेंड से अम्मी से बाबा की तरफ दौड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन भी है, अम्मी टू बाबा, और 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज यूनिट, 20 मीटर पर सेकेंड यूनिट। कोई ये भी बोल सकता है राधा 0 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, तो 0 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? यूनिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, यूनिट होते हैं, ठीक है, या दो में से कोई एक होता है, ठीक है। आगे बढ़े तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड ओनली। अब आगे ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड ओनली, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन। अब क्या होता है, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा इट हैज नो फिक्स डायरेक्शन, वेरी बैड, वेरी बैड। इट हैज नो फिक्स डायरेक्शन यदि बोलोगे ना तो गए काम से, वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है। नो नीड ऑफ डायरेक्शन, स्केलर को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, समझ में आया? There is no need of direction, no need of direction, no direction रखो, यहाँ ये वर्ड ध्यान रखिएगा, no need of direction। ठीक, एक और पॉइंट, it does not follow the follow law of vector sum,
सम, जो वेक्टर सम को फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता दैट विल बी स्केलर। ठीक है, अब देखिए जरा यहीं पर एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे, देखो बहुत बेहतरीन। नंबर वन टाइम, टाइम ठीक है। नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर थ्री बड़ी मजेदार है जी, प्रेशर, कौन प्रेशर। देखो टाइम ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। आज यदि आपको आपका कौन सा बर्थडे मना, मान लीजिए आपका 15वां बर्थडे मिलेगा, मन गया तो अगली बार 16th होगा, उसके अगली बार 17th होगा, अगली बार 18th होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का 15th बर्थडे हुआ और उसके बाद वो 14th बर्थडे मनाएगा। ठीक है, राइट ना, कोई ऐसा बोलेगी क्या कि किसी का मान लो 15th बर्थडे हो गया, अब किसी ने पूछा क्यों आज तेरे ये कौन सा बर्थडे है, नहीं मेरा ना 14th बर्थडे है अभी। ठीक है, ऐसा बोलेगा कोई क्या, पॉसिबल है? नो पॉसिबल, मतलब डायरेक्शन मूव्स ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन, टाइम मूव्स ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, टाइम का डायरेक्शन आगे की तरफ होता है, तो दैट इज फिक्स, बट इज ए स्केलर। ठीक है, इसी तरह से देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होता है बोलो, डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, डायरेक्शन फिक्स है, बट इट इज ए स्केलर, लेकिन ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ गए क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके फिक्स्ड होता है, बट इट इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर सम। तो इसको यहां लिखेंगे, ऑल दीज थ्री follows law of
कॉल्ड टेंसर। ठीक है, अब देखो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे ये रॉड है, रॉड ठीक है, इस रॉड का सोचो लेंथ जो होगा वो केवल एक वैल्यू होगा, होगा ना, मान लो 10 सेंटीमीटर हो या 12 सेंटीमीटर हो या 13 सेंटीमीटर हो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसको अपन ने ऐसा कर दिया तो लेंथ बदल जाएगा, पॉसिबल है क्या? या ऐसा थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो लेंथ बदल जाएगा, या थोड़ा ऐसा कर दिया तो लेंथ बदल जाएगा, राइट ना? ओके, लेकिन यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड को तुमने ऐसा रखा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कोई एक है और तुमने इसको यहाँ पकड़ लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा उसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा उसका। तुमने यदि इसको ऐसा कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा उसका। अब देखो एक ही पेन है, उसको अपन ने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो फिजिकल क्वांटिटी बदल जाता है यार, राइट ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाते हैं, मतलब एक ही पेन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए अलग अलग होता है। That's why it cannot be placed in scalar or vector. ठीक है? Scalar or vector. Hence it is called tensor quantity. इसको एक थर्ड कैटेगरी बना दिया गया, that is a tensor. Okay जी, ठीक है? तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम लोग वेक्टर नोटेशन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग केमिस्ट्री ज्वाइन कीजिए। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर।